हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आया है बहुत ही ज्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बेसन का, ना ही मैदे का। अगर आप सूजी और बेसन और मैदे के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ अलग खाना चाहते हैं, इसके बिना खाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बिना बेसन, बिना सूजी, बिना मैदे के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिया था, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इस रेसिपी को बिना प्याज के ही बना सकते हैं, प्याज को हटा देना डियर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। ज़्यादा हींग नहीं डालनी, सिर्फ 1 चुटकी डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दोनों चीज़ों को हम 10 से 15 सेकेंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 10 से 15 सेकंड मैंने इसको चटका लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक और 2 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को हटा दीजिएगा। तो इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। और अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्याज, और प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 सेकंड प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारी हल्की सी लाइट सी पिंक हो गई है, बस इतना भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, जो कैल्शियम से भरपूर होती है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मैंने पूरा लिया है, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ आधी ले लेना। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 10 से 15 सेकंड मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे गाजर, जो बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गेम या टीवी का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से गाजर उनके नाश्ते में ज़रूर उनको खिलाना है। तो गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड गाजर को भी अच्छे से भून लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 कटोरी डाली है, और गाजर भी मैंने 1/2 कटोरी डाली थी। तो यहाँ पे हम सारी सब्जियों को हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बच्चों के फेवरेट आलू। बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया है। वेट नहीं, आलू हमारा 50 ग्राम है। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते तो आप इसकी जगह पे पनीर डाल सकते हैं, या फिर सोयाबड़ी भी डाल सकते हैं, जिसको सोयाबीन बोलते हैं। तो इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे आलू को अच्छे से भूनना है, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। तो आलू को आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश या ग्रेट जो भी कीजिए, ठंडा करके ही कीजिए, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं होगा। और अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे रख देना, जब इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए तब इसको कट करके डालना। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच तक काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून तक, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चटपटेपन के लिए 1 चम्मच भरकर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है नमक। नमक के बिना तो सारा स्वाद ही अधूरा है। तो ये गया हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून तक नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। और अब हम सारे मसालों को भी 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाले और नमक पहले इसलिए नहीं डाला, अगर हम पहले डालते तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती और ये जो स्टफिंग है ये चिपचिपी हो जाती, इसीलिए हमें इसे बाद में डालना है। और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मसालों में से एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है, मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। यहाँ पे आप स्टफिंग को चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिए इसी वक्त।
क्योंकि बाद में हम इसमें नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मैंने चेक कर लिया है, सारी चीजें परफेक्ट है। अब इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए, और जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी चावल, जो वेट है हमारा 100 ग्राम है, नाप में एक कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे चावल आप मोटा महीन जो चाहे वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा वाला चावल लिया जो आपको आसानी से किचन में मिल जाता है, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। यहाँ पे चावल को आपको 3 से 4 बार कपड़े से अच्छे से पोंछ के लेना है, क्योंकि इस चावल को आपको भिगाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपको दूंगी चावल के आटे की रेसिपी, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आती है, तो इसी रेसिपी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि चावल का आटा कैसे बनता है। और आपको और कोई भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, बस बर्तन आपका थोड़ा सा भारी होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ना इसमें हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, अब इसके अंदर अपने चावल को ट्रांसफर कर देंगे, और चावल को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और जल्दी से कलर आ जाएगा, यानी ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो हम जब इसको अच्छे से फुलाएंगे तभी बहुत ही अच्छा सा सोनापन और टेस्ट दोनों आएगा। यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने चावल को अच्छे से भून लिया है, चावल में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल भी काला नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चावल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, हम इसे छुपा रहे हैं, जब तक चावल ठंडा ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, और यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जार में बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सुखा कर जार को लेना है और सबसे छोटा वाला ही लेना है। अब इसके अंदर हम चावल को फटाफट ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे हम चावल को ट्रांसफर करने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही नमक डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, ना ही मसाले डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है हमको। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाना है, तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस गया है, और हल्का सा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपने चावल के आटे को इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास घर में चावल का आटा मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच तक जीरा साबुत वाला, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आगे स्टफिंग में भी नमक रखा है, इसीलिए हमने कम ही नमक का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालना, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अभी हम बता देंगे कि इसके अंदर हमें कितना पानी लग जाएगा। तो आटा हमारा हल्का सा दरदरा हमने रखा है, तो इसको हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है शुरुआत में, क्योंकि जब हम इसे फूलने का टाइम देंगे तो ये अपने आप हार्ड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा आटा नहीं लगाना है, ये देखिए इस तरीके से हमें आटा लगाना है। और अब इस आटे को हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडा खाने वाला मीठा वाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए रख देते हैं। इतना आटा लगाने में मुझे 1 ग्लास पानी में छोटा वाला सारा इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 1 हिस्सा बचा है, यानी 3 हिस्सा हमने इस्तेमाल किया। अगर आपकी छोटी गिलास है तो आपको भी इतना ही पानी लगेगा, बड़ी होगी तो आधी गिलास लग जाएगी। तो चलिए इसको 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है, चलिए अपने आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा इस तरीके से हार्ड हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से हमने जो रख दिया था 3 से 4 मिनट, इससे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, 1 से 2 बूंद, और इसको हम इस तरीके से 10 से 15 सेकेंड मसलेंगे, क्योंकि जो चावल का आटा होता है उसमें थोड़ा सा बिखरावपन होता है, तो अगर आप मसलेंगे नहीं तो ये स्मूथ नहीं होगा। तो ये टिप 1 है कि आपको इसे अच्छे से मसलना है, ये देखिए इस तरीके से अब ये अच्छे से मसल गया है। अब हम बनाने से पहले थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें लेना है, नींबू के आकार से थोड़ा सा बड़ा मिश्रण लेंगे, यानी मिश्रण का भाग लेंगे, और इसको इस तरीके से गोल करने के बाद इस तरह से हल्का हल्का सा फैला लेंगे, ये देखिए
इस तरीके से फैला लिया है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई। जब ठंडी हो जाएगी तभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ले लेंगे और स्टफिंग को हमें इस तरह से लेटके हुए हल्का सा इसको इस तरह से हल्का सा सिलेंडर का शेप देना है और इसके हम बीचों बीच में इस तरह से रख लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ अंगूठे से प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छे से इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बहुत ही कम तेल में बनती है। अब इस तरह से हमने इसको अच्छे से कर लिया। अब हम इस तरह से इसको सिलेंडर का शेप देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और अब इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। कैसे डालेंगे आपको बताते हैं। यहाँ पे हम नाइफ ले लेंगे। नाइफ का जो धार वाला भाग होता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा केचप दिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरीके से हम इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप केचप लगाएं, आप इसमें सेजवान चटनी, मोमोज चटनी या फिर ग्रीन चटनी कोई भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर कट लगा के हल्का हल्का सा इसके ऊपर सॉस लगाना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और लुक भी आएगा। लेकिन ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको डीप कट नहीं करना है, हल्का सा करना है डिज़ाइन डालने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है, कितना सुंदर लुक आ रहा है देख सकते हैं आप लोग। और अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस तरह से ये वाला बर्तन ले लूंगी जिसमें इस तरह से होल होल होते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से फैला लूंगी ताकि जो नाश्ता है हमारा बिल्कुल भी चिपके ना। और इसे मैं स्टीम करूंगी, वो भी बिना स्टीमर के। तो अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आप कैसे स्टीम कर सकते हैं जुगाड़ के साथ, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए एक बार में जितने आ पाएंगे उतने हम लगा देंगे। तो ये वाला हम बाद में करेंगे, अब हम क्या करेंगे चलिए इसको स्टीम करते हैं। फ्रेंड आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए कढ़ाई ली, आप चाहे तो भगोना भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 गिलास पानी रखा है। पानी जब हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया तब इसके अंदर स्टैंड रख दिया। अब हमने इस तरीके से तैयार नाश्ते को रख देंगे। ये देखिए इस तरह से रख दिया है। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। और ख्याल ये रखना है कि हमें गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे स्टीम नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से स्टीम नहीं होगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसे स्टीम होते हुए, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और तब तक जो हमारा बचा हुआ था उसको भी स्टीम करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से यार टेस्टी है। दूसरी बात कम तेल का, और तीसरी बात बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीजों से बना है। चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है और कितने अच्छे से ये अंदर तक सॉफ्ट हो गया है। और ये वाली जो चटनी मैंने इसके साथ बनाई है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्टीम करके खाएंगे तो बहुत ही अलग स्वाद मिलेगा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से इसके अंदर फिल है और सारी हमारी इसी तरीके से स्टफिंग वाली है, हमने सारे में स्टफिंग भरी है। आप चाहे तो बिना स्टफिंग के भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।